इससे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत समाचार की खबर, नौकरशाही को हिला देगी, ऑल इंडिया सर्विस के नियम बदलने की तैयारी हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नियम बदलने की तैयारी है। आईएएस और आईपीएस अफसर जल्द रिटायर किए जाएंगे, डीओपीटी ने बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। 33 साल की सेवा पूरी होने पर रिटायरमेंट दिया जाएगा। 33 साल की सेवा अथवा 60 साल की उम्र अब यहां पर पैमाना होगी। रिटायरमेंट के नियम अब बदले जाएंगे नौकरशाही में। केंद्र के प्रस्ताव पर हाहाकार मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, डीओपीटी ने एक नया फॉर्मूला बनाया, इससे हाहाकार मचा हुआ है। क्या कुछ इसमें मसौदे हैं और इसका असर क्या कुछ होगा? बिल्कुल, देखिए, ये देश की जो सरकारी मशीनरी है उससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है कि भारत सरकार का जो नियुक्ति और कार्मिक विभाग है उसने प्रस्ताव तैयार किया है कि 33 साल या 60 साल जो भी पहले होगा उसमें अधिकारी को रिटायर कर दिया जाएगा। इसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी शामिल है, यानी कि आईएएस और आईपीएस अफसर। तो अब रिटायरमेंट के केंद्र सरकार नियम बदलने जा रही है जी, और स्वाभाविक है कि जैसे ये खबर बाहर आई है इसको लेकर नौकरशाही में बहुत आश्चर्य है, हतप्रभ है और एक तरह से कहा जाए हाहाकार मचा हुआ है जी। क्योंकि बहुत सारे अफसर ऐसे जो 40-40 साल तक सेवा देते रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद उनकी सेवाएं ली जाती हैं, और इस तरह का अगर ग्रुप वन के सर्विस के नियम बदले जाएंगे तो स्वाभाविक है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा झटके के तौर पर होगा जी। अब सरकार इस कदम को अपने पूरा कर पाती है, इस निर्णय को आगे पूरा कर पाती है, ये देखना होगा। लेकिन भारत समाचार पर ये इस समय देश के लिए बहुत बड़ी खबर है जी। जी वीरेंद्र जी, लेकिन खास बात यह है कि कोई भी कैडर हो, यहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे उनके पर ये फार्मूला लागू होगा। इसका असर क्या कुछ होगा और वजह क्या कुछ रही, क्योंकि हमने देखा मोदी सरकार ने कई अधिकारियों को उनकी सेवाओं के चलते वीआरएस भी दिया है, तो क्या माना जाए अब ये नया फार्मूला इसी की अगली कड़ी है? देखिए, निश्चित तौर पर ये इस तरह की खबर है जो लोगों को आश्चर्य में डाल रही है जी। आईएएस अफसर मात्र 33 साल की सेवा के बाद क्या उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है जी? क्या उसका ब्रेन कम हो जाता है जी? क्या उसके निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है? इन सब चीजों पर तमाम सारे सवाल खड़े होंगे जी। और ये देश के सभी राज्यों को प्रभावित करेगा, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं भी। तो ये तो अखिल भारतीय सेवाओं पर ये समान रूप से नियम लागू होने जा रहा है जी। और ये अपने आप में ग्रुप वन जो सर्विस है जी, जो देश की सर्वोच्च सेवा है, उसके अधिकारियों के लिए उनके मनोबल को झकझोर देने वाली खबर है ये। और इस निर्णय से ब्यूरोक्रेसी में इस तरह से कहा जाए हाहाकार मचा हुआ है, और अगर मोदी सरकार 33 साल के फॉर्मूले को ये लागू करने में कामयाब होती है जी, जैसा कि बहुमत में है जी, वो आज नहीं तो कल कर सकती है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले साल तक जी ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी जी। तो जो अखिल भारतीय सेवा में आईएएस लोग अभी तक अपने आप को सर्वोच्च मानते थे जी, उनको भी अब इसमें समय से पहले रिटायरमेंट लेना पड़ेगा जी। अब आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बताऊं जी, कि अगर अगले साल ये नियम लागू हो जाता है जी, तो उस साल जो लोग 33 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे जी, तो उसमें 1987 बैच शामिल होगा आईएएस का पूरे देश का जी, तो पूरे देश से रिटायर कर दिया जाएगा। आईपीएस का 1987 का बैच पूरा रिटायर कर दिया जाएगा जी। तो ये अपने आप में लोगों के लिए ताजा झटके वाली खबर है, जो उच्च पदों पर बैठे हैं, जो आज एडीजी हैं, आईजी हैं, वो अगले साल से रिटायर भी हो सकते हैं जी। वो सोच रहे थे कि अभी उनकी सरकारी सेवा 8 साल बची है, 10 साल बची है, 5 साल बची है, तो अब उसके ख्वाब उसके दिन वो भूल जाएं। और जैसे वीरेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त हमारे साथ एसपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस।